टीम इंडिया इस वक्त न्यूजीलैंड के दौरे पर है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली जा रही है। बता दें कि रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया था, बारिश के कारण मुकाबले को रद्द करना पड़ा। ऐसे में भारतीय टीम अभी भी सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही है। बहरहाल मुकाबले की बात करें तो दूसरे वनडे मुकाबले में 12 ओवर के खेल के बाद मुकाबले में बारिश आई और इस वजह से मुकाबले को रद्द करना पड़ा। बहरहाल दूसरे वनडे मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड के मुकाबले से ज्यादा एक चीज की लगातार चर्चा रही, वो थी प्लेइंग 11 से संजू सैमसन को बाहर कर देना। लगातार इस पर कई सवाल खड़े हो गए। फैंस ने सोशल मीडिया पर बीसीसीआई और साथ ही टीम इंडिया के मैनेजमेंट कप्तान को लताड़ना भी शुरू कर दिया। आपको बता दें कि फैंस का गुस्सा सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रहा, अब कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप तक भी पहुंच गया है। कतर में इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप खेला जा रहा है और यहां भी संजू सैमसन के फैंस वहां तक पहुंच गए हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। क्या पूरी घटना है उसके बारे में आपको जानकारी दें तो आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स ने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया और जानकारी दी कि संजू सैमसन के फैंस इस वक्त कतर में भी मौजूद हैं और वहां से भी ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। दरअसल राजस्थान रॉयल्स ने जो तस्वीर शेयर की उसके कैप्शन में लिखा कि सभी पूछ रहे हैं कि आप फीफा वर्ल्ड कप में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, हम इस बात के लिए कहना चाहते हैं कि हम संजू सैमसन को सपोर्ट कर रहे हैं। नीचे संजू की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में एक फैन ने संजू की 3 कोलाज वाली तस्वीर को लेकर के लिखा था कि आपको कतर से ढेर सारा प्यार, हम आपका समर्थन करते हैं, #संजू सैमसन। इसके अलावा कुछ अन्य फैंस भी दिखाई दिए जिसमें संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स वाली तस्वीर और साथ ही संजू सैमसन के समर्थन में लिखा हुआ था कि हम आपके साथ हैं संजू सैमसन। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड दौरे पर संजू सैमसन को पहली बार प्लेइंग 11 से ड्रॉप नहीं किया गया है। T20 सीरीज में भी कप्तान हार्दिक पांड्या ने संजू सैमसन को एक भी मुकाबले में मौका नहीं दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने तर्क दिया था कि हम चाहते हैं कि बॉलिंग ऑप्शन रखे जाएं और हम 6 गेंदबाजों के साथ मुकाबले में उतरना चाहते हैं, इस वजह से इस पर फैसला लिया गया। दूसरे वनडे मुकाबले में जब संजू सैमसन को ड्रॉप किया गया तब भी शिखर धवन ने यही तर्क दिया। बता दें कि संजू सैमसन को लेकर शिखर धवन ने कहा कि दीपक हुड्डा को प्लेइंग 11 में शामिल करने का बड़ा कारण था कि दीपक हुड्डा गेंदबाजी भी करते हैं। संजू सैमसन के वनडे रिकॉर्ड की ओर नज़र डालें तो उन्होंने अब तक भारत के लिए 11 मैच खेले हैं। 10 पारियों में उनके बल्ले से 330 रन आए हैं। संजू सैमसन का वनडे में औसत भी 66 है। बता दें कि संजू सैमसन की पिछली अगर पारियों की ओर नज़र डालें तो उन्होंने पिछले मुकाबले यानी कि न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मुकाबले में 36 रन, उससे पहले 2 रन, 30 रन, 86 रन, 15 रन, 43 रन, 6 न बाद 54, 12 और 46 रन की तमाम पारियां खेली हैं। बहरहाल अभी तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इतने विरोध के बाद क्या टीम मैनेजमेंट और कप्तान संजू को तीसरे वनडे मुकाबले में मौका देते हैं या नहीं, क्योंकि संजू के फैंस तो अब कतर से भी उन्हें ढेर सारा प्यार और समर्थन भेज रहे हैं। जो कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स की अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।